नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। इस वक्त की बड़ी खबर जो बारामूला से सामने है, जिस तरह सुबह भी वहां पर खीर इलाके की बात करें जहां पर एक सीआरपीएफ नाके को वहां पर मिलिटेंट्स द्वारा निशाना बनाया गया, वहीं अब खबर सामने आ रही है जिसके बाद लगातार वहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी था। वहीं अब आपको बता दूं, ये कॉर्डन सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में तब्दील हो गया और इस एनकाउंटर से खबर आ रही है कि एक मिलिटेंट को जो है मार गिराया गया। तो सीधा रुक करते हैं बारामूला का, जहां पर हमारे संवाददाता इरशाद हमारे साथ है। इरशाद, क्या अपडेट जो है सामने आ रही है? जी बिल्कुल, अगर हम शुमाली कश्मीर के इस क्रीरी इलाके की बात करें, आज सुबह सवेरे वहाँ पे जो है तो मिलिटेंट्स की तरफ से सीआरपीएफ के गश्त पार्टी पे, पेट्रोलिंग पार्टी पे हमला किया गया, जिसमें जो है तीन सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो हलाक हुए। इसके साथ साथ अगर हम अभी की बात करें, अभी तक जो तफसीलात यही आ रहे हैं कि जो है ये सर्च ऑपरेशन जो वहां पे लगाया गया था फौज ने, तो वो ये जो है ये एनकाउंटर में तब्दील हुआ। इस वक्त की बात करें, इस वक्त एक मिलिटेंट को जो है वहां पे जो है मार गिरा गया। बिल्कुल इरशाद, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो अभी इस वक्त वहां पर बात करें तो क्या फायरिंग हो रही है, अभी भी रुकी हुई है? इस वक्त वहां पे जो है लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस को ये इतला मिली है कि और भी यहां पे मिलिटेंट हो सकते हैं, इसीलिए वहां पे जितने भी एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स हैं उनको सील किया गया, ताकि यहां से जो है मिलिटेंट से भागने में जो है नाकामयाब रहेंगे। अगर हम इस शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला या सोपोर की बात करें, लगातार यहाँ पे जो है अटैक्स पे अटैक्स हो रहे हैं। अगरचे हमने आईजी जो है विजय कुमार, आईजी कश्मीर, उनके साथ हमारी बात हुई, तो उनका यही मानना है, उनका यही कहना है कि ये जो अटैक आज को आज यहाँ पे हुआ क्रूरी के इलाके में, ये जैश मोहम्मद के एलईटी के ये बताए जाते हैं तीन मिलिटेंट यहाँ पे थे जिन्होंने ये इस अटैक को अंजाम दिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो ग्राउंड जीरो से इरशाद हमारे साथ फोन लाइन पर थे और जिस तरह उन्होंने बताया कि एक मिलिटेंट को जो है मार गिराया गया, क्योंकि उसके बाद लगातार वहां पर कॉर्डन सर्च ऑपरेशन था और उसके बाद वो कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जो है एनकाउंटर में तब्दील हो गया और उसी दौरान एक आतंकवादी को जो है मार गिराया गया। जिस तरह आईजीपी ने भी बताया था, विजय कुमार ने, कि तीनों आतंकी जो थे लश्कर ए तैयबा के आतंकी बताए जा रहे थे, तो उनमें से एक को जो है सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराया गया। वहीं अभी तक फिर से कॉर्डन सर्च ऑपरेशन जारी है, बाकी दो आतंकियों की भी वहीं छिपे होने की आशंका जो है जताई जा रही है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि उस पूरे इलाके को जो है सील कर दिया गया है, और चाहे वो इन पॉइंट्स हो आउट पॉइंट्स हो, उन्हें लगातार वहां पर जो है नजर बनाई हुई है। क्योंकि लगातार बात करें तो सुबह जब ये सीआरपीएफ के नाके पर जब ये आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, तो इस आतंकवादी हमले में जो है दो सीआरपीएफ और एक एसओपी, अगर एसपीओ की बात करें तो वो शहीद हो गए, पर उसी के बाद लगातार वहां पर जो है कॉर्डन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और अब खबर सामने आ रही है कि इस कॉर्डन सर्च ऑपरेशन को जो कि एनकाउंटर में तब्दील हो गया था, और इसी दौरान एक आतंकवादी को जो है मार गिराया गया। क्योंकि लगातार बात करें, जिस तरह इरशाद ने भी बताया कि लगातार इस तरह के हमले जो है सीआरपीएफ की बात करें, चाहे पुलिस नाकों की बात करें, लगातार आतंकवादियों द्वारा इन जगहों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं एक अच्छी खबर अब सामने आ रही है कि एक आतंकवादी को जो है मार गिराया गया है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत और बने रहें जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ।